उसी का सारे कैंपिंग करके बैठे हैं सामने। रेडी हाँ थोड़ा सा वेट आगे उनकी खिड़की है वो देखो हमारा पार्टनर गन मत रख ओए कोई भाई इस गेम को मुझे समझ नहीं आ रहा बंदा मार रहा है मुझे नजर अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक हो गए सबका अनदर वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो के अंदर आप लोगों ने जो है ना मेरी पीसी का परफॉर्मेंस देख लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल इसकी वीडियो आई थी कि मैंने लाइव स्ट्रीम छोड़ दिया है लैग की वजह से। तो हाँ यार, जब मैं स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ ना तो OBS का लोड बहुत ज़्यादा होता है पीसी पे, इसी वजह से ना मेरी गेम बहुत ज़्यादा अटक रही होती है। तो बातों बातों में आप सेटिंग भी करते रहे और मेरी बातें भी सुनते रहे। अभी मैं आपको जो गेम लूप की सेटिंग बताऊंगा ना तो उसका मैं ये बताऊंगा भी कि ये मैंने क्यों रखा हुआ है सेटिंग। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका अब अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है, मतलब लो एंड पीसी है, तो आप जितना भी सेटिंग वगैरह कर लो ना गेम की लेग कम हो सकती है लेकिन गेम की लेग ख़त्म नहीं हो सकती। सही है, जब तक आपके पास अच्छा पीसी ना हो ना तो आपका लेग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसके अलावा आप सेटिंग करके ना अपना लेग जो है ना कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं गेम लूप की सेटिंग की तरफ। तो स्टार्टिंग में जो आता है तो वो है बेसिक्स, जिसमें मैंने सारे अनचेक किए हुए हैं। बाकी इंजन डायरेक्ट टेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट टेक्स्ट जो होता है वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, जबकि ओपन जीएल जो होता है ना वो आपके ग्राफिक्स कार्ड पर डिपेंड करता है। बाकी मैंने ओपन जीएल चेक किया है, उसमें बहुत ज़्यादा लेग आ रहा होता है। बाकी ये थर्ड ऑप्शन जो है ना ये मैंने अनचेक किया हुआ है ना, तो ये इसीलिए कि आपका गिटार जो है ना वो नहीं बजेगा, फिर लेग हो सकती है लेकिन गिटार नहीं बजेगा। बाकी मेमोरी आपने सादी जितनी आपकी रैम है ना उसकी आधी रखनी है आपने। प्रोसेसर के कोर आपके 4 है तो 2 रखने, 8 है तो 4 रखने हैं। बाकी रिजोल्यूशन और DPI इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, इसका लेग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बाकी ये मैंने जेब बाई से देखा है। बाकी ये सेटिंग 720p भी रख सकते हैं, HD 90 ये रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। HD 1080p भी रख सकते हैं, लेकिन 2K पे ना जाओ, खुदा का वास्ता है। अगर आपके पास PC अच्छा नहीं है ना तो 2K पे बिल्कुल भी ना जाना, वही उस पर हद दर्जे लेग होती है। बाकी ये कैशे फाइल है जिसकी PC में कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको जो है ना रिमूव ही होना चाहिए। बाकी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि रन कर, ये सर्च बार पर जाके आपने रन जो है ना लिखना है, तो उसको रन करना है। उसके बाद उसमें लिख के ना टेम्प लिखने पहले ओके कर देना है, रन हो जाएगा। उसकी सारी फाइल डिलीट कर देनी है। फिर %temp% ये भी, इसमें भी जाके सारे फाइल्स जो है ना डिलीट कर देने। उसके बाद आता है प्रीफेच, स्पेलिंग आप नोट कर लीजिएगा, तो उसमें भी आपने सारे फाइल्स डिलीट कर देने। उसके बाद C में जाने और उसमें एक फ़ोल्डर होगा TX Game Assistant, वहाँ पे जाने। फिर UI, उधर 3 फोल्डर्स होंगे, उसमें UI पे जाने। उसके बाद उसमें शेडर कैशे ढूंढने, उसमें बहुत सारे फाइल्स जो है ना ये देख लें, बहुत सारे फाइल जो है ना पड़े हुए हैं, वो सारे भी आपने डिलीट कर देने। इस तरह आपकी जो मेमोरी है ना, कैशे मेमोरी, वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए यही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।